ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या ये स्टॉक 3 साल में पैसा डबल करके दे सकता है? क्या है इसके फंडामेंटल, क्या है इसकी एनालिसिस, चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं हमारे न्यू वीडियो के साथ। गुड क्वालिटी का ये स्टॉक है। गुड क्वालिटी बाई मैनेजमेंट इज ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसकी सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 16%। आप इसकी नेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए 0.89, जो कि 1 से कम है, बहुत ही अच्छा है। इसमें एक कमी है जो कि है प्लेट शेयर्स की, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। 3.72 इसके प्लेट शेयर है, जो कि एक कमी मैं महसूस करता हूँ इस स्टॉक में। अभी ये फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 23.27। आप इसकी ईवी टू ईबिटा रेशियो देख लीजिए 13.98 है। पीजी रेशियो देख लीजिए 20.74 है। रिटर्न और इक्विटी और आरओई देख लीजिए, दोनों बढ़िया 70.04 रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई देख लीजिए 16.10। अभी ये फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे, जो भी प्राइस 105 और 215 के बीच में आती है इस स्टॉक को फेयर वैल्यूएशन पे बताता है। हालांकि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन भी अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब इसका पिछले 10 साल का रिटर्न देख लो, 1186%, एक बेहतरीन रिटर्न। आप इसके 5 साल का रिटर्न देख लो 52%, हालांकि ठीक ठाक रिटर्न है पिछले 5 साल में, लेकिन ये पिछले 2 साल से लगातार गिर रहा है। पिछले 2 साल में 32% गिर रहा है, पिछले 1 साल में 45% गिर रहा है, और आज ही उसने 2% डाउन दिखाया है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना लो, ताकि सबको पता चले क्या है इस स्टॉक का प्राइस पे लेना चाहिए, क्या है इसका फंडामेंटल दिखाते, कब ये बाउंस बैक करेगा वगैरह सब। कब ये बाउंस बैक करेगा वो तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन हम क्या एक आइडिया ले सकते हैं इसके स्टॉक के एनालिसिस करके। अब हम इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। नेट सेल्स जो कि हालांकि अप आए हैं 9.29% से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी अप आए हैं 6.87% पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के कंपैरिजन में। नेट प्रॉफिट जो कि एक बढ़िया अपसाइड है 4.85, जो पिछले क्वार्टर में 371 था, जो इस क्वार्टर में 389 आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा हल्का सा दबाव दिखने को मिला है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ईयर टू ईयर कंपैरिजन में पिछले साल से इस साल का क्वार्टर में 13.75 की एक बेहतरीन जंप मिला है। नेट प्रॉफिट में भी एक बेहतरीन 6.74% का जंप मिला है, और वे जो आप क्वार्टर टू क्वार्टर में रिजल्ट में देखे उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक थोड़ी सी डाउन साइड आई, जो कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग देख लीजिए आप, एक बेहतरीन 61.73% प्रमोटर ने होल्डिंग की हुई है। म्यूचुअल फंड ने भी एक बेहतरीन होल्डिंग की है 8% की। जो मैंने बताया था एक कमी इस शेयर में मेरे को दिख रही है, वो है प्लेज शेयर 3.72% गिरवी रखे हुए शेयर में। प्रोमोटर में हाईएस्ट होनेस देख लीजिए 33.43 है। हालांकि अभी तक ये स्टॉक मेरे को अच्छा दिख रहा है। अब हम इसके टेक्निकल लेवल और फंडामेंटल तो हमने देख लिया, अब उसके चार्ट पे जाएंगे और टेक्निकल लेवल को तराशेंगे। अब हम इसके चार्ट पे आ गए। लास्ट टाइम इसने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके इतनी सारी बहुत सारे गिरावट देखे, अभी ये 122 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ये अपने फर्स्ट सपोर्ट लाइन के करीब ही है। फर्स्ट सपोर्ट लाइन 120 पे है, जो कि दूसरी सपोर्ट लाइन है 193 पे। हालांकि इसके बीच में एक और सपोर्ट है जो कि ये लाइन बता रही है। ये लाइन अपने को ये इधर कहीं सपोर्ट लेने को बता रही है, जो कि 104 और 106 के बीच में हो सकती है। इस लाइन पे लास्ट टाइम भी इधर सपोर्ट लिया था, तो हम मानते हैं कि इस टाइम पे भी ये इधर सपोर्ट लेके आगे जा सकता है, लेकिन इधर सपोर्ट नहीं लिया तो हम 93 की ओर जाएंगे। हम 93 के लास्ट सपोर्ट लाइन देखते हैं, अगर इसने इधर से बाउंस बैक कर दिया तब ये अपने जो
रजिस्टेंस लाइन है उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर रजिस्टेंस लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दे दी तब हम इसमें बुलिश साइन की संभावना देख सकते हैं। अब जानते हैं कौन सा ये स्टॉक। मदर सेंसू में एक बेहतरीन ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी जो कि अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि ये कंपनी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, तो ऑटो सेक्टर रिलेटेड में जो भी कंपनी आती है वो अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर डाउन चल रहा है। तो अभी हम लास्ट कंक्लूजन निकालते हैं कि ये स्टॉक अपने को अभी एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, तो इसको हम अभी बाय कंडीशन में डालते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अपने को 3 साल में एक बढ़िया रिटर्न देगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक जो प्राइस है उस हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसको बाय रिकमेंडेशन में डाल रहे हैं। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद।